मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा में। फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्ध कालीन शिक्षा में क्या अंतर है। ये आपका स्कूल एजुकेशन का टॉपिक है। यदि आप BA BEd फर्स्ट सेम के स्टूडेंट हैं, यदि आप BEd कर रहे हैं, तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ऑल टीचिंग एग्जाम में ये टॉपिक पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि वैदिक कालीन शिक्षा का अर्थ पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे बौद्ध कालीन शिक्षा का अर्थ, उसके बाद फिर हम दोनों में अंतर समझेंगे। तो सबसे पहले हम मीनिंग देख लेते हैं कि वैदिक कालीन जो शिक्षा है, इसका जो समय हुआ है वो 2500 से 500 ईसा पूर्व माना जाता है। वैदिक कालीन शिक्षा में जो इसका जो मुख्य उद्देश्य बताया गया है वो वेद से है, यानी कि जो वैद शब्द की उत्पत्ति है वो विद धातु से हुई है, और विद का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त कराना। हम लोगों को जितना भी ज्ञान देते हैं उससे ज़्यादा हमको ज्ञान मिलता जाता है, तो इन्होंने वैदिक काल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट काल माना गया है, इसे वैदिक शिक्षा का काल माना है, जिसका अर्थ ही इन्होंने मान लिया है कि ज्ञान प्राप्त कराना, यानी कि दूसरों को शिक्षा देना। इसके उपनाम है, वैदिक शिक्षा को हम वैदकालीन शिक्षा या प्राचीन भारतीय शिक्षा के नाम से इन्हें हम जान सकते हैं। ये तो हो गया वैदिक कालीन शिक्षा का अर्थ। अब हम बात करेंगे बौद्ध कालीन शिक्षा का अर्थ। तो जो बौद्ध कालीन शिक्षा है, इसका जो प्रारंभ हुआ है वो 2500 से ईसा पूर्व हुआ है। इनके जो स्थापना की थी, गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की, और बौद्ध धर्म के व्यापक हिंदू धर्म को एक विकसित रूप इन्होंने माना गया है। बौद्ध धर्म के प्रचार व प्रसार के लिए बौद्ध मठों तथा बौद्ध विहारों में इसकी स्थापना की गई, और इनका प्रारंभ बौद्ध मठों और बिहारों में बौद्धों की धर्म की शिक्षा प्रदान करना, साथ ही साथ इनमें सभी बच्चों को एक रूप होकर मठों और बिहारों में शिक्षा देना। अब हम देखेंगे कि वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्ध कालीन शिक्षा में क्या अंतर है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा वैदिक शिक्षा। तो वैदिक शिक्षा प्रणाली में जो शिक्षा थी वो पारिवारिक प्रणाली की थी, क्योंकि इसमें गुरु का गृह या परिवार छात्र का विद्यालय था। लेकिन जो हमारे बौद्धकालीन शिक्षा में थी, तो बौद्धकालीन जो शिक्षा प्रणाली थी वो बौद्ध संघ की प्रणाली मानी जाती है। सेकंड पॉइंट है, वैदिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा था, लेकिन बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का माध्यम पाली भाषा था। इसमें देसी भाषाओं को अधिक महत्व दिया जाता था। इसमें सबसे ज़्यादा किसको महत्व दिया गया है? देसी भाषाओं को। अगला पॉइंट है तीसरा, वैदिक शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर अत्यधिक बल दिया जाता था, लेकिन बौद्ध शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर कम बल दिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोर्थ, वैदिक शिक्षा प्रणाली में व्यक्तिगत शिक्षा पर अत्यधिक बल दिया जाता था, लेकिन बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में पूर्ण रूप से सामूहिक शिक्षण पर बल दिया जाता था। फिफ्थ पॉइंट है, वैदिक शिक्षा प्रणाली में जो थे वो वेदों पर आधारित थी, और इसमें चार वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। उनमें अध्ययन कार्य जो कराते थे वो ब्राह्मण ही कराते थे, लेकिन बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली जो थी वो वेदों पर आधारित नहीं थी। केवल वे ही ब्राह्मण अध्ययन कार्य कराते थे जो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते थे। मतलब बौद्ध काल में क्या होता था कि वही जो ब्राह्मण है वही अध्ययन कराते थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, वैदिक शिक्षा प्रणाली में हर किसी गुरु गृह अथवा विद्यालय को अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता था, लेकिन बौद्ध शिक्षा प्रणाली में हर विद्यालय का संबंध किससे माना गया है? इनमें संघ से। मतलब वैदिक कालीन जो शिक्षा है इसमें जो इसका संबंध माना है विद्यालय से, और इसमें माना गया है संघ से। नेक्स्ट पॉइंट है सेवंथ, वैदिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का केंद्र गुरु का गृह था। यहाँ पर केवल एक ही शिक्षक अध्ययन कार्य कराते थे, लेकिन जो हमारा बौद्धकालीन है तो बौद्धकालीन में इनमें अनेक गुरुओं वाली संस्था हुआ करती थी। इनमें जो गुरु थे वो बौद्ध विहारों में अनेक बौद्ध शिक्षा अध्ययन कार्य कराते थे। यहाँ पे बौद्ध विहारों व मठों में विक्रमशिला जो स्कूल थे वहाँ पे बच्चों को शिक्षाएँ दी जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है एट, वैदिक शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थी बोलकर भिक्षा मांगते थे, और बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में जो विद्यार्थी थे वो मौन रहकर भिक्षा मांगते थे। नेक्स्ट पॉइंट है नाइन्थ, वैदिक शिक्षा प्रणाली में गुरु और शिष्य का संबंध पिता और पुत्र के जैसे था,
लेकिन बौद्ध शिक्षा प्रणाली में गुरु तथा शिष्य का संबंध कैसा था? कम अधिकार का होता था। देन नेक्स्ट पॉइंट की वैदिक शिक्षा प्रणाली में समावर्तन संस्कार के बाद ब्रह्मचारी अपनी शिक्षा प्राप्त कर लेते थे और गृहस्थ आश्रम में पहुंच जाते थे, तो ये घर वापस लौट जाते थे और इनको उच्च शिक्षाएं मिल जाती थी। नेक्स्ट है बौद्ध शिक्षा प्रणाली में उपसंपदा संस्कार के बाद भिक्षु को संस्कारिक बंधनों को तोड़कर आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था। मतलब उपसंपदा का मतलब होता है कि तपस्वी की ओर निकट जाना, यानी कि आप तपस्वी बनने वाले तो उसकी ओर आपको सारे नियम कानून सीखने होते थे। नेक्स्ट पॉइंट है वैदिक शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थी को कठोर त्याग व तपस्मय जीवन व्यतीत करना पड़ता था। इस जीवन को बिताने के बाद ही विद्यार्थी वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति करता था। यानी कि आपको यदि वैदिक काल में शिक्षा प्राप्त करना है तो आपको कठोर और तपस्मय जीवन व्यतीत करना पड़ता था। लेकिन बौद्ध शिक्षा प्रणाली में जो होती थी वो संघ तथा बिहारों में विद्यार्थियों को जीवन उनके सामान्य जीवन की अपेक्षा अधिक सुखमय थी। यहाँ पे क्या हो रहा था कि वैदिक काल में बच्चों को थोड़ा सा कठोर जीवन जीना पड़ता था, लेकिन बौद्ध काल में जो शिक्षा प्रणाली थी वहाँ पे बच्चों को अधिक सुखमय जीवन जीना पड़ता था। तो फ्रेंड्स, ये तो हुए हमारे वैदिक काल और बौद्धकालीन शिक्षा में अंतर। तो आई होप, उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जितना ज़्यादा हो सके हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स।